नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विराट कोहली के बैक टू बैक शतक मारने के रहस्य। हम ये बताएंगे कि विराट कोहली क्यों आखिरकार बैक टू बैक शतक मार रहे हैं, जो विराट कोहली ने खुद बताया है कि मेरे बैक टू बैक शतक मारने के पीछे का कारण क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि विराट कोहली पिछले 4 मैचों में 3 शतक मार चुके हैं। बांग्लादेश में 1 शतक मारा था, फिर इसके बाद जब श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ तो पिछले 3 मैचों में उन्होंने 2 शतक बैक टू बैक लगाए हैं। दोस्तों, ये शतक बताता है कि विराट कोहली कितने अच्छी टेम्परामेंट के साथ खेल रहे हैं और कितनी अच्छी माइंडसेट के साथ जो है तो बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्रीलंका के साथ आखिरी मैच में थर्ड वनडे में उन्होंने 110 बॉल में 166 रन बनाए, जो कि उनके करियर का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर अपने देश में खेलते हुए टोटल 20 शतक लगाए हैं, लेकिन इसके मुकाबले विराट कोहली ने 21 शतक लगा चुके हैं। और विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान विराट कोहली ने अपने पारी में कभी भी 8 नहीं लगाया वनडे की पारी में, लेकिन इस बार विराट कोहली ने 8 छक्के भी लगाए हैं। तो विराट कोहली ने 110 बॉल में 166 रनों की पारी खेली और इंडिया को मिला अपने वनडे इतिहास में सबसे बड़ा जीत, और ये श्रीलंका की वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली ऐसे शतक पे शतक मारने का, ऐसे धुआंधार बल्लेबाजी करने का कारण क्या है। विराट कोहली बताते हैं कि मैं सूर्य कुमार यादव के बैटिंग को परखता हूं और उसे वीडियो देखता हूं, उसके स्टाइल को, उसके जिस तरीके से वो बॉल को कनेक्ट करता है, मैं उसे बहुत ज्यादा वॉच करता हूं इस तरीके से, इसलिए मैं ये खेलने में सफल हुआ, विराट कोहली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। और विराट कोहली सचमुच जब बैटिंग कर रहे थे तो सूर्य कुमार जैसे ही लग रहे थे, आगे चल चल के इधर उधर शॉट लगा रहे थे और बड़े लंबे लंबे छक्के जो है तो विराट कोहली लगा रहे थे और सूर्य कुमार यादव देख रहे थे। विराट कोहली ने पहली बार 100 मीटर का छक्का लगाया, जो कि देखने लायक था। विराट कोहली उस छक्के को लगाने के बाद खुद हंस रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आज ये मेरे हाथ से क्या हो रहा था। विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिस तरीके से उनका उम्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनका खेल और ज़्यादा निखर रहा है। उसके पीछे विराट कोहली ने और भी कुछ बताया है, जैसे भक्ति की शक्ति भी उन्होंने बताई है कि मैं इस समय पे भक्ति भी बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले वो उत्तराखंड नैनीताल गए थे, वहाँ पर उन्होंने कैची धाम गए थे, काकड़ी घाट गए थे और हनुमानगढ़ी भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने फैंस के साथ बहुत सेल्फियाँ ली और आरती में भी शामिल हुए थे, वो जो है तो हनुमान चालीसा भी करे थे। इसके बाद विराट कोहली की खेल में बहुत ज़्यादा निखार आने लगा और आपने देखा होगा पहले 1-2 साल तक विराट कोहली के एक भी शतक नहीं आए। पिछले 3 साल से मैच में वो सूखा जो है तो समाप्त किया और उसके बाद से आप देख रहे हैं विराट कोहली किस तरीके से शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जब श्रीलंका के खिलाफ खेलना शुरू किया तो पहले मैच में उतनी अच्छी स्कोर नहीं बना पाए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दूसरे मैच में उन्होंने शतक बनाया और तीसरे मैच में भी उन्होंने जबरदस्त शतक, 166 रन की पारी विराट कोहली ने खेली थी। आप सभी लोगों को पता है छक्के पे छक्का मार रहे थे। उसके बाद उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि अभी वृंदावन भी गए थे। विराट कोहली जब उन्हें श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में नहीं चुना गया था तो उस दौरान विराट कोहली, आप जानते होंगे, एक वृंदावन में बहुत ज़्यादा फेमस साधु हैं, वो बहुत ही विख्यात हैं, उनका नाम प्रेमानंद जी महाराज है, उनके पास गए थे, उनके दर्शन किया था। आप लोगों ने, सभी लोगों ने उनका एक वीडियो भी देखा होगा जो कि बहुत काफ़ी वायरल हो रहा है, किस तरीके से अनुष्का शर्मा साष्टांग प्रणाम करती हुई दिख रही हैं और विराट कोहली वहाँ बैठ कर उनके प्रवचन को सुनते हुए दिख रहे हैं। विराट कोहली के परफॉर्मेंस में निखार आने की वजह वो बता रहे हैं कि भक्ति है और बाबा का आशीर्वाद है। आप जानते हैं जिस तरीके से विराट कोहली गए थे और वहां सुने थे, नमन किया था, इसके बाद उनके खेल में बहुत ज्यादा निखार देखने को मिला। विराट कोहली कहते हैं कि उसके बाद से मेरे खेलने का
अंदाज बदल गया है, मेरा माइंडसेट बदल गया है। दोस्तों, विराट कोहली की बैटिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या भक्ति में इतनी शक्ति है कि किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में उछाल ला सके, ये भी हमें बताइएगा। वैसे तो हम भक्ति में बहुत ज़्यादा रमते हैं, इसलिए हमें विश्वास है, लेकिन क्या आपको विश्वास है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो में ज़रूर लिखिएगा। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, और क्या भगवान में, भक्ति में आपकी आस्था है, ये भी हमें बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए, कंट्रोवर्सी न्यूज़ अपडेट और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की खबर आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।